जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो कुंभ राशि वालों हो जाइए सावधान, स्वयं महादेव को भी रोना आ गया आपकी जिंदगी में इतना दुख देखकर। लेकिन दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब महादेव ने कर दिया है ऐलान, अगले 3 दिनों में आपकी जिंदगी से हर एक दुख, हर एक दर्द दूर होने वाला है। 3 बड़ी-बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली हैं दोस्तों। महादेव का हाथ जिस भी व्यक्ति के ऊपर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अब दोस्तों, जो होगा बहुत शानदार होगा। दोस्तों धन्य हो, आपके तो भाग्य खुल गए हैं। लेकिन सावधान, आज के इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में और चुपचाप देखना। ये बातें किसी और को मत बताना, वरना आती हुई लक्ष्मी पुनः लौट जाएगी। क्योंकि यह राज की बातें, अगर राज ही रहे तो अच्छा है दोस्तों, वरना किसी दुश्मन की काली नजर लगते देर नहीं लगती है दोस्तों, बड़ी मुर्गी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए समय रहते वीडियो को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, सावधानियां भी बताऊंगा, और यह उपाय अगर आपने कर दिया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। दोस्तों आपके दुश्मनों ने, यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपके पेट पर कई बार लात मारी है, लेकिन अब समय बदलने वाला है दोस्तों। हर एक व्यक्ति आपकी वाहवाही करेगा, हर एक व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा सम्मान देने वाला है, जो कि आपको आपके घर में भी इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन अब पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे शहर में अब आपकी वाहवाही और मान सम्मान होने वाला है। दोस्तों आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हैं कि आपकी कुछ गलतियों के कारण आपको कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने पड़ डीएच सकते हैं। ऐसे में सावधानी रखना भी बहुत जरूरी है। जब जब कुछ अच्छा होता है तब तब दोस्तों कुछ गलती आपके द्वारा ही हो जाती है, इसलिए सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि ऐसे वीडियो बार बार नहीं बना करती है। कोई पागल ही होगा जो आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखेगा और छोड़ कर जाएगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी मछली आपकी जाल में फंस चुकी है और जरा सी गलती करी तो ये मछली आपकी जाल से निकलकर चली जाएगी। दोस्तों यकीनन ये 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। ऐसी खुशखबरी आपको पिछले कई सालों में नहीं मिली थी, लेकिन साल के शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशियां अब आपको मिल रही है। ये सच में आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है और भगवान शिव जी की कृपा है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो जाइए और अभी अभी लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों अब कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है, यानी कि दोस्तों प्यासे कौन हो आप, और कुआं यानी कि दोस्तों खुशियां, खुशियां खुद चलकर आपके पास आ रही हैं। दोस्तों सितारों ने बहुत ही तगद्धे और बद्धे संकेत दिए हैं, और यह मौका दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। अक्सर दोस्तों जिंदगी में ऐसा होता है कि खुशियां हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हमारी उस पर नजर नहीं पड़ रहती है, और जब वह खुशियां दूर चली जाती है तो हमें किसी और से पता चलता है कि आसपास हमारे खुशियां थीं और हमने तो देखा ही नहीं। और फिर दोस्तों लोग बाग कहते हैं कि मेरा इतना फायदा हुआ, मेरा उतना फायदा हुआ, तो आपके मन में भी आता कि काश मैं भी उस समय अपनी नजरें इधर उधर कर लेता तो मेरा भी फायदा हो जाता। इसलिए ध्यान रखना कि अपने भी नजरों को हर जगह हर अवसर पर रखना है आपको। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब आपका हिम्मत टूटने लगे, हौसला कमजोर होने लगे, तब आप चुपके से एक बार भगवान को याद करना और मन ही मन कहना, हे प्रभु आप तो इस संसार का मालिक है, सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु, आप जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे। क्योंकि दोस्तों जिन्होंने आपको इस धरती पर भेजा है उन्होंने कुछ सोच समझकर ही भेजा होगा। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और सच्चे मन से कहिए गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज का दिन आपके लिए सूझबूझ से काम करने के लिए रहेगा, निजी विश्व में आपकी पूरी रुचि रहेगी,
शिक्षण संस्थानों से आप जुड़ेंगे। आप अपनी दिनचर्या में योग्य व व्यायाम को अपनाएं, नहीं तो आपको कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ में सहयोग मिलेगा। आप अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपको तरक्की करते देख आपके परिवार के सदस्यों को खुशी होगी। यदि आप नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे थे तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा जिसमें वह सफल हो सकता है। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। मिलजो की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आवश्यक कार्य पर आपको फोकस बनाए रखना होगा। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। किसी बात को लेकर आप जिद्द व जल्दबाजी ना दिखाएं, नहीं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आप किसी काम को दूसरे के भरोसे ना छोड़ें, नहीं तो उसमें कोई गलती होने की संभावना बनती दिख रही है। रोजगार की तलाश में परेशान चल रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। पारिवारिक कलह यदि लंबे समय से चल रही थी तो वह दूर होती दिख रही है। आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। आपको कुछ नए संपर्कों का लाभ मिलेगा। सहकारिता का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। आज आपकी कार्यशैली प्रभावित रहेगी। संतान को संस्कारों व परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे आपके बस आपके कामों के तारीफ करते नजर आएंगे, जिससे आपको खुशी होगी। जीवन साथी से चल रही अनबन बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें, नहीं तो वह आपके आपसी रिश्तों को खराब कर सकती है। आज का दिन आपके लिए व्यापार में अच्छा रहने वाला है। आपको अपनों से किए हुए वादे को निभाना होगा। किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां को बखूबी निभाएंगे और प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप विभिन्न कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको अपनी आंख अकान खुले रखने होंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोग में साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप जल्दबाजी में कोई काम करने से बचे नहीं तो उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप अपनी वाणी व व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी ने मेहमान की दस्तक हो सकती है। रचनात्मक कार्य से आप जुड़ेंगे। आप अपने कामों में सूझबूझ से आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी साख सम्मान में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने व्यापार की योजनाओं में डील देने से बचना होगा, नहीं तो दूसरे उनका फायदा उठा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए खर्चा भरा रहने वाला है। आपको आर्थिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो समस्या हो सकती है। व्यापार में आपको कोई डील बहुत ही सोच विचार कर फाइनल करना होगा। आपको छुटपुट लाभ के अवसर मिलते रहेंगे, लेकिन आपको उन्हें पहचान कर उन पर अमल करना होगा। आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर प्रेरित रहेंगे। आपके कुछ प्रभावशाली लोगों से मुल्ला होगी। लेन देन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए रहेगा। यदि आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। आप कार्य क्षेत्र में लोगों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे। आपको अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा, तभी वह पूरा होता दिख रहा है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। यदि आपने किसी संपत्ति की खरीदारी करने की का सोचा है तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आज का दिन आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कारोबार में तेजी आएगी। आप अपने डेली रूटीन में को बनाए रख, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ सकता है। दोस्तों, पिछले लंबे समय से चल रही आपकी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ आज उभार लेगी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत है, वे अपने खाने को लेकर विशेष सावधान रहें, क्योंकि वे अक्सर लापरवाही करते रहते हैं। आज आपको माइग्रेन, तनाव, सिर दर्द और उच्च रक्तचाप का भी सामना करना पड़ सकता है,
जो दवाइयां आप सामान्यतः लेते हैं उनके बारे में आज का दिन विपणन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जा सकता है। ये जरूरी है कि आप विपणन नीतियां बनाते हुए न्याय संगत निर्णय ले, ताकि आप बी डॉक्टर से दोबारा पूछ ले, क्योंकि हो सकता है कि उनकी डोज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने हो। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपके रास्ते में कोई बड़ बाधा आने वाली है। इससे आपकी लव लाइफ और करियर दोनों ही प्रभावित होंगे। इस समय जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं ना दें। इसके स्थान पर उनकी हर भाव भंगिमा को निष्पक्ष होकर जांचे। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आपसे जल्दी फैसले लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच लें और फैसले लेने तक कोई भी अन्य काम न करें। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य का राज है और इसका उल्टा भी इतना ही सच है। आय आपके लिए यह जरूरी है कि आप खुश रहने और स्वास्थ्य के बीच के इस संबंध को समझें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मन से खुश न होने की स्थिति में जितनी ऊर्जा आप स्वस्थ रहने में लगाते हैं वह सब बेकार हो जाएगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो आपको ठंडे दिमाग से सोचकर अपनी नाराजगी का कारण पता लगाना और उसे दूर करना होगा। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा पक्ष आपकी लव लाइफ में काफी हस्तक्षेप कर सकता है और गंभीर गलतफहमियां पैदा कर सकता है। आपको अपनी और पार्टनर की भी भावनाओं का विश्वास करना सीखना चाहिए। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने की बजाय अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परेशान करते हैं उनके बारे में भी अपने पार्टनर से भी बात करनी चाहिए। अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के आज योग बन रहे हैं। आपको ऐसे न की प्राप्ति हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ यच दिया था। आज आप अपने निष्क्रिय निवेश के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि वहां से भी आपको शुभ संदेश मिल सकता है। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और जिसे आप लगभग भूल चुके हैं, वहां से भी धन प्राप्ति का शुभ संदेश मिल सकता है। आप इस वक्त अलौकिक घटनाओं से प्रभावित रहेंगे। आप आज अपना दिन किसी रहस्यमयी मुद्दे की खोजबीन में बिताना चाहते हैं और कोई रहस्यमयी फिल्म या उपन्यास देख पा सकते हैं। आप किसी रहस्य पर से पर्दा उठाने का फैसला भी ले सकते हैं या किसी स्थिति व्यक्ति के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको यह सब करते हुए सावधान रहना होगा। आपको आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां रखने से आप आसानी से उनसे बच सकते हैं। जंक फूड भी ना खाएं, क्योंकि उनसे पेट दर्द हो सकता है। आपको यह समझने की भी बहुत जरूरत है कि आपके जीवन में तनाव का कारण आपके काम नहीं बल्कि आपका खाना है। आज एक हेल्थ क्लास ज्वाइन कर ले, इससे आपको लंबे समय तक के लिए फायदा होगा। अगर आप किसी रोचक और खुशमिजाज आदमी को डेट करना चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना पड़ रहेगा, नहीं तो आपका संबंध फिर से उसी नीरस स्तर पर पहुंच जाएगा। आपको अपनी लव लाइफ में बदलाव लाने के लिए खुद को अंदर से बदलना पड़ रहेगा। अगर आप सिर्फ अपनी ड्रेसिंग भी बदल लें तो आपको अंदाज भी नहीं है कि आप में कितना खुशनुमा बदलाव आ जाएगा। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने एवं उनकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकते हैं, जो कि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। इस समय आपके जीवन में अजीब ही घटनाएं हो रही हैं, जिससे भी आप मिलते हैं आपके मन में उसी के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो जाती हैं। विशेषत विपरीत लिंग को आप बहुत आकर्षित करेंगे। साथ ही आप उस काम के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए घर और कार्यस्थल पर करना है। आप किसी जटिल समस्या में फंस गए लगते हैं या आज आपकी आध्यात्मिक शांति भंग होने वाली है। आज आपकी कुछ पुरानी दर्दनाक यादें ताजा होने वाली हैं। अगर आपको कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए काउंसलर की मदद भी लेनी पड़े तो ले। अपने सपनों पर ध्यान दें तो शायद आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। किसी को भी आपको नीचा दिखाने की अनुमति नहीं है। यह समय कोशिश करते रहने का समय है। अगर आपके प्यार को चोट पहुंची है तो समझे कि वह आपके लिए था ही नहीं। अब भविष्य की ओर देखने का समय है। ऐसा कोई सामाजिक दायित्व नहीं है कि आप ऐसी चीज के साथ रहे जो आपकी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाती। आपसी टकराव के कारण पीछे हटने में ही भलाई है। आपको शीघ्र ही अपना प्यार मिल सकता है।
आपके नए व्यापार विचार जो आपने सुझाए थे वे अब फल देने लगेंगे। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। यह अपने दम पर कुछ करने के लिए सबसे अच्छा समय है। संभावना है कि आप इस समय अपने नए व्यापार के लिए पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए विदेश में से किसी के साथ साझेदारी में काम करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। आप इस दिन को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप प्यार में डूबने के मौके को आज यूं ही न गवाए तो अपने साथी को यूं ही हमेशा के लिए मिला न माने इस राह वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह बढ़िया दिन है। साथ में एक अच्छी शाम गुजारने की योजना बनाएं तथा अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। अनचाहा कोई मेहमान आज आपके घर आ सकता है, जिसके आने से आपको घर के उन सामानों पर भी खर्चा करना पड़ सकता है जिनको आपने अगले महीने पर टाला हुआ था। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अपने अच्छे दोस्तों को बुलाएं। ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। आपकी थकी और उदास जिंदगी आपके जीवन साथी को तनाव दे सकती है। दफ्तर में आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। अपने काम से आराम लेकर आज आप कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। आपकी बीती जिंदगी का कोई राज आपके जीवन साथी को उदास कर सकता है तथा दोस्तों सुकून हासिल करने लिए कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताएं जो लोग अब तक पैसे को बिना वजह ही उड़ा रहे थे। आज उन्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए और धन की बचत करनी चाहिए। आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी ना सुनने प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्दी ही आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है। आपकी कड़ी डिही मेहनत और निष्ठा खुद आपके लिए बोलेगी। दूसरों का विश्वास और सहयोग आपको हासिल होगा। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद छक सकते हैं तथा मानसिक स्पष्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करें। आपको मेरी सलाह है कि शराब सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा खर्च ना करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। कार्यक्षेत्र में प्रगतिशील और बड़े बदलाव करने में सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको भी तेजी से कूदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मातहतों को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना सकारात्मक परिणाम देगा तथा दोस्तों आपकी जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे। आपको बस दृढ़ता पूर्वक डटे रहना है, लेकिन चिंता ना करें। एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की भी प्रशंसा करेंगे तथा वाहन चलाते समय सावधान रहे और ध्यान से चलाएं। इस DDDDID हैक पर गाड़ी चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप सावधान रहे तो इससे बच सकते हैं। मोद हो और स्पीड ब्रेक से सावधान रहे, गाड़ी धीरे चलाएं। हो सके तो बिन किसी काम के बाहर घूमने से बचे अपना काम खत्म करके घर पर आराम करें। और हाँ दोस्तों, आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हट ना करें, इससे कोई फायदा ना होगा। केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं तथा आज आप आत्मविश्वास और सकारात्मक रहेंगे। आज किसी भी साक्षात्कार या ग्राहक के साथ किसी भी सौदे को तय करने के लिए एक अच्छा दिन है।
आपको आज एक अच्छा लाभ मिल सकता है। आप दिन के उत्तरार्ध में किसी कार्य को लेकर कुछ अटक सकते हैं। कल के लिए मनोरंजन या मनोरंजन के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित करें एवं अपने सहयोगी से आज मदद लें। साथ ही में दोस्तों, आपका व्यक्तित्व प्रतिभाशाली और प्रभावी है, जो आज आपके हितेशियों तथा विरोधियों सहित सबके सामने आएगा। अपने शुभ चिंतकों की बातों पर ध्यान दें और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दें। आपके बधे आपका साथ देंगे और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करने में आपकी मदद करेंगे तथा त्वचा संबंधी छोटी छोटी तकलीफों से आप परेशान हो सकते हैं। आज खुद को थोड़ा हल्का करने की योजना बनाएं। तैलीय पदार्थों से दूर रहें। बाकी आपकी सेहत ठीक ही रहेगी। बहुत सारे पेड़ों वाली जगह पर घूमने से बचें, क्योंकि आपको कोई कीड़ डक काट सकता है। इससे आपकी त्वचा पर दाने उभर जाएंगे। आज सावधानी के तौर पर एंटी एलर्जिक दवा साथ रखें। आवश्यकता पड़ देने पर डॉक्टर से सलाह लें। इसी के साथ एक रुपए की बात की जाए तो दोस्तों, नौकरी या फिर बिजनेस में तरक्की हेतु पानी में लाल चंदन का पाउडर मिलाकर उसे स्नान करें। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना।